अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पटवारियों की एक ही मांग, वेतन मांग, वेतन मांग। पटवारी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आओ होश में आओ, ओ माली होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो। नहीं किसी से भीख मांगते, वेतन मान, वेतन मान। हम सब एक है, हम सब एक है। पटवारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो भैया, मध्य प्रदेश पटवारी वेतन मान। हम सब की एक ही मांग, वेतन मान, वेतन मान। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपस्थित साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 1000 पटवारियों के साथ देवास जिले का प्रत्येक पटवारी भी हमारी वेतन संबंधी के मांग के संबंध में बात पहुँचाए और हमें विश्वास दिलाए कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के पटवारियों की महापंचायत बुलाकर हमारी मांग का निर्णय किया जाए। हमारे मित्रों ने हमारे पटवारी संघ के वरिष्ठ साथी आदरणीय बहादुर दादा, बहादुर दादा, आज हमारे बीच में मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि किसान हितेश किए और हर वर्ग की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री महोदय, वर्तमान में पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की अलग अलग महापंचायत बुलाकर उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और आदेश भी हो रहे हैं। हमने भी पिछले 3 हड़तालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश का पालन करते हुए, नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हमारे पास संदेश आया था कि आप लोग हड़ताल नहीं करना, इसलिए उनके आदेश के पालन में हम लोग हड़ताल पर नहीं गए। लेकिन क्योंकि कई महीनों से बातचीत चल रही थी, हमारे पास संदेश आ रहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय आपकी मांग को पूरी करने के लिए महापंचायत बुलाएंगे, इसी संबंध में हमारा इंतजार बढ़ता गया। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव में लगभग 1 महीना का समय बचा है, इसलिए मजबूरीवश मध्य प्रदेश के पटवारी संघ ने यह निर्णय लिया कि शायद हमको नहीं बुलाए और हम मजबूरी में हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए। आदरणीय सरकार की घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है, पटवारियों के संबंध में भी निश्चित रूप से जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अच्छा निर्णय लेंगे। मैं अपनी ओर से भी आप लोगों ने जितनी भी बातें यहाँ रखी हैं, क्या आपके पेड रेट बनाने की हो या बाकी अन्य सुविधाओं की मांग हो, उसको अपनी ओर से शासन के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा ही। और मैं इतना निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब लोगों की ऐसी सरकार है, आप को मिलता रहा, आप सरकार किसानों के बीच में सरकार और किसानों के बीच के आ जाते हैं, जिसमें काम आप लोग करते हैं। दोस्तों तो मेरा प्रणाम। हम सब जानते हैं कि पटवारी यानी किसी भी सरकार की आंख नाक कान है। आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारा कृषि किसान देश है और आप सब लोगों का सीधा जुड़ाव जिस किसान से होता है, उसके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है, तो निश्चित रूप से आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब लोग अपना काम भी पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार की बात है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिसे आप सब स्वयं भी जानते हैं, आप पहले की सरकारों के समय का अपना स्थिति देख ले पटवारियों की और वर्तमान सरकार के समय की स्थिति देख, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी कमियाँ हैं, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। क्या बताइए, आज आप पहुंचे हैं, पटवारी संघ का धरना लगातार चल रहा है, क्या बात हुई आपकी और आप पहुंचे यहां पर, क्या आश्वासन आपने दिया? पटवारी संघ के आमंत्रण पर मैं यहां इन लोगों से चर्चा करने आया था। पटवारी किसी भी सरकार की आंख नाक कान होते हैं, सरकार और आम जनता के बीच के सेतु का काम करते हैं, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका पटवारी बंधुओं की होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में लगातार पटवारियों के हितों में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मांगे हमारे पटवारी बंधुओं की है, चाहे वो पे स्केल को लेकर हो या अन्य बातों को लेकर हो। उन बातों को मैंने यहाँ सुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के
पास इस इनके विषय को मैं अपनी ओर से भी रखूंगा। पटवारी संघ की मध्य प्रदेश इकाई भी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को रख चुकी है और मैंने आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारी हितैषी हमारी सरकार है, हम निश्चित रूप से पटवारियों के हितों में आने वाले समय में निर्णय लेंगे और जिस प्रकार की भी इनकी मांगे हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूर्ण कराने के लिए हम वचनबद्ध रहे। लगातार इनका धरना भी जारी है और काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, क्या मैंने अपनी ओर से भी आग्रह किया है कि चूंकि आप सरकार की योजनाओं को नीचे तक उतारने में सहायक होते हैं तो आप अपनी मांगों को उचित मंच पर आपने रखा है, अब मंच पर उसका निराकरण होगा उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मैंने आग्रह किया है कि आप अपने मध्य प्रदेश इकाई से भी चर्चा करते हुए उसको जितनी जल्दी समाप्त करेंगे उतना ही शासन के हित में रहेगा, जनता के हित में रहेगा। मुख्य मांग आपकी, सारे पटवारी आज बैठे हुए हैं, पहले भी लगातार ये धरना कितने दिनों तक चल रहा है, वो मुख्य मांग क्या है आप? देखिए भाई साहब, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 19,000 पटवारी अलग अलग भिन्न जिलों में भिन्न तहसीलों में धरना आंदोलन कर रहे हैं। विगत 25 वर्षों से हमारी यह न्यायाचित 2800 ग्रेड पे की मांग जारी है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन देकर हमारी पूर्व की हड़तालों को उनके आश्वासन पर हमने तोड़ा है, हर बार उन्होंने आश्वासन दिया है और पूरा प्रदेश का पटवारी उनके आश्वासन पर वापस हड़ताल छोड़कर चला गया। इस बार भी हमने बहुत अनुनय विनय किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुँचाई और इसी तारतम्य में अभी 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारियों के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तिरंगा भेंट किया गया, उसके बाद भी हमने ये इंतजार किया कि शायद मुख्यमंत्री महोदय तिरंगा यात्रा से प्रभावित होकर पूरे पटवारियों की मांग के लिए उनको बुलाएंगे, उनकी मांग पूरी करेंगे, महापंचायत बुलाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हमको नहीं बुलाया गया और मजबूरी में हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग हड़ताल भी चले जाएँ। 28 तारीख से हमारी हड़ताल चालू है और आज हड़ताल का 5वां दिन है, इसके कारण हम सब लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जो मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या अगला स्टेप रहेगा? देखिए, अब चूंकि हम लोग आंदोलन में हड़ताल में कूद चुके हैं और इस बार हर हाल में हर आर पार की लड़ाई के मूड में है, यदि किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकरण हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो भी हम हड़ताल में डटे रहेंगे और अपनी जो मांग है 2800 ग्रेड पे की उसको लेकर के ही रहेंगे। आपका नाम और पद बता दें। धर्मेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष पटवारी संघ देवास।